आज जो सफाई अभियान चल रहा है इसमें BDC चेयरमैन साहब, हमारे रूरल डेवलपमेंट के BDO साहब और सरपंच हजरात और यहाँ के न्यू लाइट्स स्कूल हमारा और बॉयज हाई स्कूल टंगदार उसके टीचर सबों ने मिलकर सफाई अभियान बाग बेला टू लूठा तक नाला बतामाजी और उसके किनारे को सफाई अभियान का काम किया और लोगों को इसके अवेयरनेस के लिए आवाज़ भी दी कि हर आदमी को अपने माहौल को ठीक करने के लिए पूरी आवाज़ भी बच्चों ने दी। और हमारे जो BDO साहब हैं वो बाग बेला से टंगदार तक हमारे बॉयज हाई स्कूल टंगदार के टीचर साहबान, बॉयज हाई स्कूल के बच्चे और न्यू लाइट स्कूल के टीचर साहबान और उनके बच्चे, हमने BDC चेयरमैन साहब, हम सब लोगों ने मिल के आपस में आज का दिन जो था सफाई अभियान में लगाया। और इसी तरह हम हर इलाके को ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि अपने अपने वार्ड हिसाब से, मालों के हिसाब से अपनी नालियाँ, नालों में कचरा ना डालें और इसको साफ करें, क्योंकि आज का जो नया रूल है पंचायतों में, पंचायतें अभी तक मतलब किसी को फाइन वगैरह नहीं किया, आज के बाद एक पूरा फिक्स हुआ है कि जो भी शख्स नाले में कूड़ा कचरा डालेगा या नालियों में डालेगा या रास्तों में डालेगा, बाज़ाब्ता उसको रसीद उसके घर में भेजी जाएगी और उसको फाइन किया जाएगा। इसी के साथ में अपने जितने भी यहाँ के उस्ताद हमारे हैं और बच्चे हैं, हमारे BDC चेयरमैन साहब, BDO साहब, इनके शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इन्होंने इस दिन को सिलेक्शन की और आज इन्होंने पूरा इस पर टाउन दिया। मेरा नाम है सबा मुश्ताक, मैं हूँ न्यू लाइट पब्लिक स्कूल टंगदार से। आज हमने एक रैली निकाली जिसके बारे में ये प्लूट था, जो नाला बत्तामाजी है, ये पानी में प्लूट, ये डस्ट बहुत फेंकते हैं और जो हमारी आने वाली नस्ल, आने वाली जनरेशन जो है, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जब हमारी जनरेशन आएगी तो वो कहेगी कि हमारी पिछली जनरेशन ने हमारे लिए कुछ छोड़ा है। थैंक यू वेरी मच। The 2005 Kashmir earthquake occurred at 9:39 Kashmir on 8 October in Tangdar. It was centered near the city of Muzaffarabad and also affected Balakot city in Khyber Pakhtunkhwa. It registered a moment magnitude of 7.6 and had a maximum Mercalli intensity of 8. So where the earthquake also affected countries in the surrounding region where tremors were felt in Afghanistan, Tajikistan, and Chinese Xinjiang. The severity of the damage caused by the earthquake is attributed to surveyed upthrust. It is considered the deadliest earthquake to hit South Asia since the 1935.